A very good evening to all of you, my dear students of class 12B. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस समय जब मैं इस वीडियो को, इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसी समय बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और इसको हम लोग काल बैसाखी के नाम से भी जानते हैं। काल बैसाखी एक बिच्छोभी तूफान है, जो थोड़ी देर के लिए बैसाख के महीने में लगभग बारिश होती है, थोड़ी देर के लिए बारिश होती है, और उसके बाद बारिश अपने आप दूर चली जाती है। तो इस समय काल बैसाखी की वजह से बारिश हो रही है बाहर, और ठीक उसी समय मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी हम लोग, आप सब जानते हैं कि इतिहास का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग चैप्टर नंबर 1 पर हैं। चैप्टर नंबर 1 की कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं हम लोगों ने बहुत सही तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर में भी कल मैंने थोड़ा सा सिटाडेल के बारे में बात की थी कि मोहनजोदाड़ो का जो सिटाडेल है वो कैसा है, उसका आर्किटेक्चर कैसा है, और वहाँ पाए जाने वाले इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं, एम आई राइट। तो आज हम लोग फिर हम लोगों ने उसी दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए जो एक और चर्चा की, उसके अंतर्गत ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस का भी हम लोगों ने देखा कि कैसे बरियल सिस्टम के थ्रू सोशल डिफरेंस जो होते हैं, सोशल डिफरेंसेस जो होते हैं, उनको कैसे ट्रैक किया जाता है, उनको कैसे पता लगाया जाता है, एम आई राइट। तो आज हम इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, और 4.2 जो हेडिंग है आपकी, लुकिंग फॉर लग्जरीज, इस हेडिंग को आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है लुकिंग फॉर लग्जरीज। जैसे एज वी ऑल नो कि हमको ये पता करना होता है कि मतलब कौन कौन सी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल डिफरेंस को क्रिएट करती हैं। तो उसमें से एक तो हमें जो हमने समझा वो ये था कि किस तरह से बरियल सिस्टम है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। बरियल सिस्टम में इंसान की डेड बॉडी के साथ जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसको दी जाती हैं, मतलब डेड बॉडी में उसके मरने के साथ उसके जो उसका जो कफन होता है, कॉफिन होता है, कॉफिन में जो चीज़ें रख करके उसको विदा किया जाता है, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे कहीं पे ज्वेलरी मिली है, तो कहीं पर डेली यूज की चीज़ें मिली हैं, कहीं वाटर मिला है, तो इस तरह की चीज़ें मतलब वो लोग डेड बॉडी के साथ रखते थे, ताकि उन लोगों को जो मतलब जब वो लोग इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाएँ तो वहाँ पर उनको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एक बात तो ये, दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि लुकिंग फॉर लग्जरीज, जो व्यक्ति का आपने देखा होगा कि जो हम सोशल डिफरेंस कैसे जानते हैं, सपोज़ दैट किसी इंसान के पास वो गरीब है, वो पुअर है, वो वीक है, तो वो क्या करता है, वो उसके पास लग्जरियस लाइफ जीने का कोई साधन नहीं होता, तो इस वजह से वो बड़ी ही सिंपल लाइफ पास करता है, ठीक है। तो उसके पास कोई लग्जरियस आर्टिकल नहीं होगा, कोई लग्जरियस चीज़ नहीं होगी लाइफ में। लेकिन अगर यहीं हम किसी बड़े आदमी को देखें, किसी अमीर आदमी को देखें, तो उसके पास नई नई कार्स हो सकती हैं, नए नई बिल्डिंग्स हो सकती हैं, नए नए कपड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लग्जरीज चीज़ें होती हैं लाइफ में, लग्जरियस चीज़ें होती हैं, वो भी हमारे सोशल डिफरेंसेस को क्रिएट करती हैं, या हमारे सोशल स्टेटस को बताती हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में चीज़ें मिली हैं। अनदर स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स। नंबर 1 लाइन आर्टिफैक्ट्स, अंडरलाइन दिस पॉइंट। अब आर्टिफैक्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई आर्टिफैक्ट। तो आर्टिफैक्ट क्या है, हैंडमेड चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसे यूटेंसिल्स होते हैं जो हाथों से बनाए जाते हैं, और जो घरों में डेली यूज के लिए यूज होते हैं, और वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो अनदर स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस
इज़ टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स विच आर्कियोलॉजिस्ट ब्रॉडली क्लासीफाई एज यूटिलिटेरियन एंड लग्जेरियस। नाउ जो जो सामान हमें मिला है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें डेली यूज की इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलती हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट ने दो भागों में बांटा है। नंबर वन यूटिलिटेरियन मीन्स वो चीज़ डेली यूज के लिए, देखिए दो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम लें मिरर, थोड़ी देर के लिए मिरर सोचिए, शीशा होता है ना, तो किसी गरीब के यहाँ जाएंगे तो उसके यहाँ कोई सस्ता सा शीशा होगा, और किसी अमीर व्यक्ति के यहाँ जाएंगे तो अपना रूप देखने के लिए उसके यहाँ कोई बहुत अच्छा शीशा होता है, ठीक है ना। अब देखिए काम दोनों से एक का है, काम एक ही है रूप देखना, लेकिन जिसके यहाँ 10 रुपये वाला शीशा है उसकी कंडीशन, उसके शीशे को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ भाई इनके यहाँ सामान्य शीशा है, नॉर्मल बात है। लेकिन जिनके यहाँ 5000 रुपये का मिरर लगा हुआ है तो उसको देख करके ये लगेगा कि हाँ भाई अमीर घर के हैं इसलिए इनके यहाँ ऐसा मिरर लगा हुआ है। तो जो भी सामान मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने बेटा दो भागों में बांटा है। एक यूटिलिटेरियन मतलब ऐसी चीज़ जो डेली यूटिलाइजेशन के लिए है, और दूसरा लग्जरीज, दूसरा जो है वो मतलब वो उनके जीवन की शैली को दिखाता है, वो उनके जीवन की लग्जीरियस लिविंग को दिखाता है, ठीक ना। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कहा जाए कि कोई बाइसिकल, तो बाइसिकल यूटिलिटेरियन है, डेली यूज की चीज़ है, लेकिन अब बाइसिकल में भी कई टाइप की बाइसिकल है, तो बाइसिकल तो चाहिए सबको डेली यूज के लिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। लेकिन अब गरीब ने बाइसिकल लिया लेकिन अमीर ने बाइसिकल नहीं लिया, उसने और उससे बड़ी चीज़ ले ली, हाँ उसने कार ले ली, मतलब जो काम बाइसिकल से हो सकता था उसने बाइसिकल से नहीं किया, उसने बाइक ले ली, बाइक से करना चाहा, या बाइक नहीं ली फोर व्हीलर से करना चाहा। तो क्या है मतलब जो बड़ा व्यक्ति है, जो अमीर व्यक्ति है, वो अपनी लग्जीरियस लाइफ को अपने साथ लेकर के तब वो आगे बढ़ता है, जबकि जो गरीब व्यक्ति है, जो पुअर इंसान है, वो अपनी डेली यूज की चीज़ों को पूरा करने के लिए ही अपनी पूरी लाइफ लगा देता है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो भी चीज़ें मिली हैं उनको हम दो भागों में बांटे हैं, नंबर एक यूटिलिटेरियन, नंबर टू लग्जेरियस, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि कोई भी चीज़ मिली है तो वो किस कैटेगरी में आएगी, वो डेली यूज में आएगी, वो डेली यूज के लिए इम्पॉर्टेंट है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर वो लग्जीरियस है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमें देखना होगा। देन व्हाट इज़ द फर्दर थिंग, द फर्दर थिंग दैट द फर्स्ट कैटेगरी मीन्स द कैटेगरी ऑफ यूटिलिटेरियन, द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज मेड फेयरली ईजली आउट ऑफ ऑर्डनरी मटेरियल सच एज स्टोन और क्ले। अब पहली चीज़ देखिए, जो हमें डेली यूज के लिए चीज़ें यूज करनी है, मतलब यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें, तो अगर उस कैटेगराइजेशन के हिसाब से हम थोड़ा सा अप्रोच करें, थिंक करें, तो द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज़, ठीक है ना। जो फर्स्ट यूटिलिटेरियन कैटेगरी में है उसमें ज़्यादातर क्या है, उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि डेली यूज की चीज़ें, ठीक है ना, डेली यूज की चीज़ें हमें उसमें यूज की जाती हैं, और इसलिए हमने उसको यूटिलिटेरियन कैटेगरी में बांटा, ठीक है। नाउ व्हाट इज फर्दर रिटन हियर, दैट ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज मेड फेयरली ईजली आउट ऑफ ऑर्डनरी मटेरियल सच एज स्टोन और क्ले। और ऐसी चीज़ें जो डेली यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें किससे बनी हुई होती हैं, यूजली ये मटेरियल कोई धातु या फिर क्ले मिट्टी की बनी हुई होती है, क्या कोई स्टोन किसी पत्थर की बनी हुई होती है। अब जो पहली कैटेगरी है यूटिलिटेरियन कैटेगरी है, तो दिस कैटेगरी इंक्लूड्स, अब क्या क्या है इंक्लूड करने में, क्वांट्स, कौन माने क्या है, पत्थर होता है, पॉटरी जो घर में डेली यूज की चीज़ें हैं जो बर्तन लगते हैं, नीडल्स सुइयां, फ्लैश रबर्स, ठीक ना, बॉडी स्क्रबर्स, जैसे फ्लैश रबर्स होता है जो डेड बॉडी के जो फ्लश होता है, जैसे कोई जानवर मर जाता है तो उसकी खाल को निकालने के लिए फ्लैश रबर्स, ETC। तो ये जो चीज़ें जहाँ जहाँ से मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इट मीन्स कि मतलब वो सिविलाइजेशन जो है वो उस जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, मतलब ये सब यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, ये डेली यूज की चीज़ें थी, एंड आर यूजली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट्स, और ये हर जगह से हमको ये सिम्टम्स मिलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट एज्यूम ऑब्जेक्ट्स वर लग्जीरियस इफ दे वर रेयर और मेड ऑफ कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल्स। अब
जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने लग्जीरियस थिंग किसे कहा है, वो ऐसे पदार्थ, ऐसी चीज़ें, ऐसा सामान जो या तो बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल से बना हो या किसी ऐसे मटेरियल से बना हो जो वहाँ लोकल ना पाया जाता हो, ठीक है ना, कहीं दूर से मंगा करके मतलब चीज़ों से बनता हो, ठीक है ना, तो या फिर बहुत कॉस्टली हो, ठीक है ना, विथ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नो, या फिर और किसको उन्होंने लग्जरियस माना है कि कोई भी चीज़ हो जिसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया हो, ठीक है ना, तो इस तरह से कहा गया कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको कहा गया लग्जरियस लाइफ वाला है। दस लिटिल पॉट्स ऑफ अ फैंस, अ मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्सड विथ कलर एंड गम एंड देन फायर्ड, ओके। सो अब एक यहाँ पर बगल में देखिए एक बहुत प्यारा सा फिगर दिया हुआ है, अ फायंस पॉट, अ फायंस पॉट, ठीक है ना, अ फायंस पॉट है ना, देन व्हाट इज दिस, तो ये जो फायंस पॉट है किसका बना हुआ है बेटा, तो दस लिटिल पॉट्स ऑफ फायंस क्या है, फायंस क्या है, अ मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिल्का, जो जमीन की मिट्टी होती है, बालू होती है, उसको लेकर के उसके साथ क्या मिक्स करते हैं, कलर, रंग एंड अ गम एंड देन फायर, उसमें रंग और गोंद मिला करके मिक्स करके उसको बनाया जाता है, उस मिट्टी को फिर उसको आग में पकाया जाता है, ठीक है ना, तो दस लिटिल पार्ट्स ऑफ फैंस वर प्रोबली कंसिडर्ड प्रीसियस बिकॉज दे वर डिफिकल्ट टू मेक, तो इस तरह जो फैंस पॉट है, ये जो पॉट है बगल में देखिए इसको हम फैंस पॉट कहते हैं, तो ये जो फैंस पॉट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लग्जीरियस है, ठीक है, और क्यों इसको लग्जरियस माना गया, क्योंकि एक बहुत डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी से बनता है। द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी फाइंड व्हाट सीम टू बी आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज, ठीक है ना, तो नाउ द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस, जब हम ये सोचते हैं कि व्हाट सीम टू बी आर्टिकल्स ऑफ डेली, हम कैसे ये इसको डिक्लेयर करें कि ये चीज़ डेली यूज की थी और ये चीज़ डेली यूज की नहीं थी या लग्जीरियस है, सच एज स्पिंडल वोल्स मेड ऑफ रेयर मटेरियल सच एज फैंस, जैसे ऊपर एक फैंस पॉट दिया गया है ना, तो उस फैंस पॉट का दूसरा नाम क्या है, उसको हम लोग स्पिंडल वोल्स वोल्स भी कह रहे हैं, ठीक है ना, वोल्स, स्पिंडल वोल्स मेड ऑफ रेयर मटेरियल सच एज फैंस, डू वी क्लासीफाई देम एज यूटिलिटेरियन और लग्जरीज, तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट है कि भाई ये पॉट है, अब इससे समझ में क्या आता है कि ये छोटा सा जग टाइप है, तो ये डेली यूज का भी हो सकता है, या ये इतनी डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी से बना है तो ये तो सब बना नहीं पाएंगे, तो इसको हम लग्जेरियस साइड में रखें कि यूटिलिटेरियन साइड में रखें, ये समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। फिर एक पिंक कलर की, उसमें लिखा है होर्ड्स, होर्ड्स क्या होता है, होर्ड्स आर ऑब्जेक्ट केप्ट केयरफुली बाई पीपल, होर्ड्स माने होता है जैसे जो जमीन के नीचे गड़ा हुआ खजाना होता है ना, तो उसमें कभी कभी एक ही छोटे से मटके में फियंस पॉट जैसे छोटा सा मटका टाइप होता है ना, और उसमें बहुत सारे कॉइन्स, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन या ज्वेलरी या डायमंड इस तरह करके कभी कभी मिल जाता है खेतों की जुताई करने में, तो उसी को कहते हैं होर्ड्स। होर्ड्स आर ऑब्जेक्ट्स केप्ट केयरफुली बाई पीपल ऑफन इन साइड कंटेनर सच एज पॉट्स, ओके, सच होर्ड्स कैन बी ऑफ ज्वेलरी और मेटल ऑब्जेक्ट सेफ फॉर फ्रॉम रीयूज ऑफ मेटल वर्कर्स, इफ़ फॉर सम रीजन द ओरिजिनल ओनर्स डू नॉट रिट्राइव देम दे रिमेन वेयर दे आर लेफ्ट टिल सम आर्कोलॉजिकल फाइंड्स देम, अक्सर ऐसा होता है कि पहले तो देखिए इतने सारे बैंक्स नहीं थे ना हमारे पास कि हम अपना पैसा वहाँ जा कर के डिपॉजिट कर सकें, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो मतलब जैसे पहले लोग क्या करते थे, अपना जेवर या मतलब अपनी चीज़ें वो कहीं छिपा देते थे, वो मटके में भर करके या कहीं ऐसे करके ज़मीन के नीचे गाड़ देते थे, और जब कभी यूज होता था तो उसको निकालते थे, ठीक है ना, और अगर वो लोग नहीं यूज कर पाते थे, वो दबा रह गया तो फिर हमेशा के लिए दबा रह जाता था, और फिर उसको तभी कोई पाता था जब उसकी कोई खुदाई करता था उस जगह की, कभी कभी लकली इंसिडेंटली मिल जाता था वो, इसको क्या कहते हैं, होर्ड्स कहते हैं, ठीक है ना, होर्ड्स क्या है, ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ खजाना, निधि, ठीक है ना। इफ़ वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स सच आर्टिफैक्ट्स वी फाइंड दैट रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल लाइक मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा एंड आर रेयरली फाउंड इन ऑफ फैंस, ओके। इफ़ वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिफैक्ट्स, अगर हम इनको क्लासीफाई करें, उसका एनालिसिस करें,
तो वी फाइंड हम पाते हैं दैट रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल आर जनरली कंसनट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट लाइक मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। बहुत ही रेयर मतलब ऐसी चीज़ें जैसे फियांस स्पॉट हुआ, इस तरह की चीज़ें बहुत रेयर मिली हैं, ठीक है ना, बहुत रेयर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से, जबकि वो बड़े डेवलप सिटी थे, फिर भी वहाँ से बहुत कम मतलब मिली हैं इस तरह की चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल मिनिएचर पॉट्स ऑफ फियंस परहैप्स यूज फॉर परफ्यूम बॉटल। अब ये देखिए जो मिनिएचर पॉट्स ऑफ फियंस है, अब इसमें चाहे वाटर डाल लीजिए, और समटाइम्स इसके लिए कहा जाता है कि ये परफ्यूम बॉटल के रूप में भी यूज किया जाता था। ओके, ये फिगर ठीक है, तो ये परफ्यूम बॉटल के रूप में भी यूज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल मिनिएचर पॉट्स ऑफ फियंस परहैप्स यूज एज परफ्यूम बॉटल आर फाउंड मोस्टली इन मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। ये ज़्यादातर कहाँ से मिले हैं बेटा, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा से, एंड देयर आर नन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट्स लाइक कालीबंगा, ठीक है ना। और जैसे छोटी छोटी जगहें हैं लाइक कालीबंगा, वहाँ से ये बिल्कुल नहीं मिले। गोल्ड टू वॉज रेयर, इसी तरह जो गोल्ड मेटल है वो भी बहुत रेयर था उस समय, इट वॉज वेरी रेयर टू फाइंड इट, ठीक है। एंड एज एट प्रेजेंट प्रॉबली प्रीसियस एट द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पा साइट्स वॉज रिकवर्ड फ्राम होर्ड्स। और होर्ड्स मतलब बताया ना कि वो जो खजाना टाइप है, और जब हड़प्पा की खुदाई के दौरान जब हड़प्पा से होर्ड्स मिली तो उसमें देखा गया कि गोल्ड की बहुत ही प्रीसियस ज्वेलरी वहाँ से मिली है। मतलब खुदाई के दौरान जब होर्ड्स मिलती थी, जैसे छोटा सा एक पॉट होता था उसके अंदर ज्वेलरी या क्वाइन ऐसे भरे हुए होते थे, तो हड़प्पा से कई जगह ऐसी हड़प्पा नामक जगह में कई जगह ऐसी होर्ड्स मिली हैं जहाँ पर मतलब मेटल गोल्ड ज्वेलरी से वो भरी हुई हैं। ओके, अब आता है हेडिंग नंबर 5, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। ओके, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन लोके, अब देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब थोड़ा सा हम लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मतलब उसकी बीड इंडस्ट्री कैसी थी, ठीक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो मैंने शुरू से ही बताया था आपको स्टार्टिंग लेक्चर में ही कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वहाँ की बीड इंडस्ट्री। और बीट इंडस्ट्री में भी जो सबसे फेमस साइट मिली है, जो बीट इंडस्ट्री के लिए बड़ी फेमस है, उसको हम लोगों ने कहा है चहुंदड़ो, ठीक है ना, चहुंदड़ो, ठीक है ना, चहुंदड़ो। तो चहुंदड़ो नामक जो जगह है, या चहुंदड़ो नामक जो जगह है, वो मोहनजोदड़ो के बहुत पास में है, इट इज़ वेरी क्लोज टू मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, इंडस वैली के बैंक पर ही है। तो लोकेट चहुंदड़ो ऑन मैप 1, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा मैप 1 की ओर जाना है, मैप 1 ये ऊपर दिया हुआ है बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में, ये देखिए, ठीक है ना, जो मैप 1 है यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो के पास, ये देखिए कोट दीजी है मोहनजोदड़ो, देन कोट दीजी और उसके जस्ट नीचे चहुंदड़ो, ठीक है ना, ये देखिए ये पाकिस्तान में है इस समय चहुंदड़ो। तो यही जगह है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जहाँ से बीड इंडस्ट्री के सिम्टम्स मिले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं, गुड। तो अब हम लोग आ गए फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो लोकेट चहुंदड़ो ऑन मैप नंबर 1, दिस इज़ अ टाइनी सेटलमेंट एज कम्पेयर टू मोहनजोदाड़ो, ठीक है ना। अब जो चहुंदड़ो की साइट जो मिली है वो हाईली 7 हेक्टेयर्स में मिली है, 7 हेक्टेयर्स आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा एरिया नहीं है। उसकी तुलना में जो मोहनजोदाड़ो सिटी है वो 125 हेक्टेयर्स का है, ठीक है ना, मतलब मोहनजोदाड़ो से बिल्कुल सटा हुआ शहर, थोड़ा दूर पर मतलब 7 हेक्टेयर में बसा हुआ, उसको हमने कहा चहुंदड़ो, ठीक है ना। तो दिस इज़ अ वेरी टाइनी सेटलमेंट लेस देन 7 हेक्टेयर एज कम्पेयर टू मोहनजोदाड़ो, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 125 हेक्टेयर, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली, ठीक ना, एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। और ये जो एक्सक्लूसिव रूप से देखा जाए तो ये जो प्लेस है दैट इज़ डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, और यहाँ पे क्या होता था, अंडरलाइन दिस पॉइंट, क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड बीड मेकिंग का काम होता था। और क्या होता था, शेल कटिंग, जो शीप मोती होता है उसकी कटिंग का भी काम होता था। देन मेटल वर्किंग, और क्या था इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे मेटल वर्क भी किया जाता था। शील मेकिंग, और क्या होता था, शील जो मोहरे होती हैं वो बनाई जाती हैं। एंड वेट मेकिंग, और जो तराजू बांट होते हैं ना, बांट जब हम शॉपकीपर के यहाँ जाते हैं तो जो लोहे का बांट रखता है तराजू में एक तरफ टू उसको तौलने के लिए टू मेज़र, तो वो वेट मेकिंग का भी काम होता था, ठीक है ना।
तो चांदलों में कौन कौन से काम होते थे? आपके बीड मेकिंग, क्राफ्ट प्रोडक्शन, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, शील मेकिंग एंड वेट मेकिंग, ये सारी चीज़ें बेटा चांदलों में होती थी। तो आज हम लोगों ने थोड़ा सा ये देखा कि कैसे जो सोशल डिफरेंसेस को क्रिएट करने में लग्जीरियस चीज़ें कैसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं, और हम लोग उन्होंने क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में भी थोड़ा सा एनालिसिस किया। तो आई थिंक दैट इज़ सफिशियंट फॉर टुडे। जिन लोगों ने अभी फर्स्ट चैप्टर का नोट्स नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो नोट्स करके सबमिट कर दें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? और हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।